नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। चार का चक्रव्यूह में आज बात होगी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सदियों पुरानी ये कहावत हर दौर में सच साबित हुई है। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। आखिरकार उसे अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने वाले समूह का नाम है तालिबान। एक दिन पहले जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर न कब्जा कर लिया, बल्कि सेना तालिबान के साथ समझौता करने को भी राजी हो गई थी। लेकिन अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान की सत्ता तय मानी जा रही है और इसीलिए आज तालिबान और अफगानिस्तान का पूरा चक्रव्यूह आपको बताएंगे। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंदूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के कई बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला। अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती हुई दिखी। इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को भी आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। मशीन गनों, रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबान लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए। बरगाम एयरबेस, बरगाम जेल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। काबुल शहर के एंट्री गेट पर आसपास के कई अहम इमारतों को एक एक कर तालिबान लड़ाके कब्जाते चले गए और शाम होते होते अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने की खबर भी सामने आ गई थी। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन काबुल से बाहर भागने वालों की लाइन लग गई और शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जमा दिखा। लोग तालिबान के शासन में रहने की बजाय शहर छोड़कर भागते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के इतिहास में आज से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथों में आ चुकी है। एक तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। एक तरफ जहां लोग काबुल से निकलने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो वहीं एयरपोर्ट भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। काबुल में एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका जैसा देश भी बेबस नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर हमले की खबर के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से सुरक्षित जगह पर शरण लेने के लिए कहा है। बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिका ने अपना दूतावास एयरपोर्ट पर ही शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद ही काबुल के बाहरी इलाकों में दिन भर हुई हिंसा के बाद 40 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाने के लिए अपने कब्जे में लेने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान से निकलने का अभी एकमात्र रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास गोलीबारी की खबरें थी। अब खबर है कि अमेरिकी सेना लोगों और खासकर राजनयिकों को निकालने के लिए अमेरिकी सेना अपने कब्जे में लेने जा रही है। काबुल से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है।
तालिबान ने राजधानी काबुल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबानी लड़ाके काबुल में राष्ट्रपति भवन में घुस चुके हैं। देर रात राष्ट्रपति भवन के अंदर से तालिबानियों की तस्वीरें भी सामने आई। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। गनी ने बयान जारी कर कहा कि लोगों को खून खराबे से बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। वहीं काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी बयान जारी किया है। मुल्ला बरादर ने कहा कि हम एक ऐसी जीत पर पहुंच गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह के सामने विनम्रता दिखानी चाहिए। अब ये परीक्षा का समय है। हमारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। इस सब के बीच अशरफ गनी के रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्ला खान मोहम्मदी भी संयुक्त अरब अमीरात भागे। मोहम्मदी ने गनी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमारे साथ बांध कर हमें भेज दिया। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। स्थिति की समीक्षा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक भी होगी। इस बीच अफगानिस्तान पर तालिबानी शासन का असर भी दिखने लगा है। काबुल में तालिबानियों ने 3 नागरिकों को गोली मारी। गोली मारने के बाद तालिबानियों ने कहा कि चोरी करके भाग रहे थे, कोई भी चोरी करेगा तो ऐसी ही सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। देश को बीच मजार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हो, लेकिन सेना एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से कम बिल्कुल नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभालने उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने भी ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान के ही पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। और इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने भी तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर से सर उठा लिया। और अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला और तेज कर दिया और आज नतीजा सबके सामने है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में लगातार बदतर होते हालातों के बीच हजारों की संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने के लिए आतुर हैं। सोमवार सुबह ही काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करती हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट पर घुसने के लिए जगह नहीं है और पूरी तरह से भगदड़ का माहौल है। अफगानिस्तान के कई स्थानीय पत्रकारों द्वारा काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग अपने बैग लिए घूम रहे हैं और सिर्फ किसी एक फ्लाइट में सीट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालात यहां तक हो गए हैं कि हजारों की भीड़ एयरपोर्ट के रनवे तक आ पहुंची है जो देश छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्लाइट में बैठने के लिए भी लोगों में धक्का मुक्की हो रही है और हर कोई किसी भी रास्ते से सिर्फ फ्लाइट में घुसना चाहता है। हालात कुछ इस कदर हैं कि मानो किसी भीड़ वाले बस अड्डे पर लोग बस में घुसने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि काबुल पर अब तालिबान का कब्जा है। सोमवार सुबह ही एयरपोर्ट के पास गोलीबारी हुई जिसके बाद लोगों में और भी दहशत का माहौल हो गया है। अफगानिस्तान में लगातार खराब होती स्थिति के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है। अब तालिबानी हुकूमत ही वहां पर राज करेगी। इस बीच भारत लगातार अपने लोगों को निकालने में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने एयर इंडिया से 2 एयरक्राफ्ट रिजर्व करने के लिए कहा है ताकि काबुल से इमरजेंसी हालात में
भारतीय नागरिकों को निकाला जा सके। एयर इंडिया की ओर से भी स्पेशल क्रू तैयार की जा रही है जो इमरजेंसी हालत में काबुल के लिए रवाना हो सकती है। बता दें कि सबसे मुश्किल हालात ये हैं कि अफगानिस्तान के काबुल में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस वक्त भगदड़ का माहौल है। यहाँ के आसपास के इलाकों में गोलीबारी हो रही है जबकि हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ कमर्शियल उड़ानों को भी रोकना पड़ गया था। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने पहले ही अपने लोगों को निकालने का इंतजाम किया हुआ है। दूतावास के राजनयिकों को एयरलिफ्ट किया गया है जबकि बाकी लोगों के लिए स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया वहां फिर वही शरिया कानून, कूड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौटता गया। पूरे देश पर अब फिर से तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर है। अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है कि छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित थे। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थानों के सहयोग से पाकिस्तान में उनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव रहा है और तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रहे आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा। कई इलाकों में कबाइली लोगों ने इनका स्वागत भी किया लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई और शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन भी माना गया। लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में पड़ गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिल सकी। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर सर उठा लिया है और तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी का इस मसले पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। तालिबान का हौसला असलियत में तब से बढ़ा जब अमेरिका अचानक रात को 3:30 बजे बरगाम एयरफील्ड को छोड़कर भाग गया और जो उनके हथियार थे वो तालिबानियों के हाथ लग गए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनके कुछ कमजोर डिसीशन और उनके पुलिस और फौजियों का साथ छोड़ देना और ना लड़ना और ख़ास तौर पे जलालाबाद और मजादे शरीफ की लड़ाई में करीब करीब बगैर किसी खून खराबे के उन्हें तालिबान को दे देना, इन सब का नतीजा ये हुआ कि तालिबान का कब्जा हो गया काबुल के ऊपर। काबुल की आज की परिस्थिति यह है कि वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, बड़ी बड़ी कारों में खड़े हैं, किसी भी तरह से वहाँ से निकलना चाहते हैं, तालिबानों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कई दिनों से वहाँ टेंट लगाए हुए खड़े हैं। अब वहाँ स्थिति यह है कि उनके लिए पीने का पानी नहीं है, उनके लिए खाना नहीं है, बैंक बंद हैं, ATM के अंदर पैसे नहीं हैं और अर्थक्वेक जो और आ गया, पता नहीं उसको तालिबान रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन कैसे चलाएगा। काबुल की कल की रात पूरी तरह से अंधेरे में गुजरी, लाइट्स काट दी गई हैं, ऐसी परिस्थिति वहाँ की हो गई है कि जो असहनीय है। ऊपर से तालिबान का चरित्र बिल्कुल सामने आने लगा है। उन्होंने आते ही जो कहीं किसी औरत की तस्वीर किसी दीवार पे बनी है तो उसको पेंट कर दी, और ये तो वो पहले ही कह चुके थे कि 15 साल से ऊपर की लड़कियों का और 40 साल से नीचे की विधवाओं की सूची बना के हमें दे दें, समझ में आता है क्या करेंगे आप उनका। और फिर वो सरेआम
औरतों के ऊपर कोड़े मारना, शरीयत कानून लागू करना, अगर कोई चोरी कर ली तो उसका हाथ काट देना, कटे हुए हाथ को उबलते हुए तेल में डाल देना, ये सब सबने देखा है तालिबान के इस करैक्टर को, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो। आज अगर तालिबान ये कहता है कि हम डेमोक्रेटिकली काम करेंगे और हम इसका नाम रखेंगे इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान, तो उस पर यकीन करना ऐसे होगा जैसे ऑक्सीजन के ऊपर यकीन कर लिया जाए जब वो ऑक्सीजन ये कह रही हो कि मैं किसी चीज़ के जलने में सहयोग नहीं करती, यानी कि उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। अब स्थिति ये है कि हम हिंदुस्तान क्या करें, अगर हिंदुस्तान अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना है ठीक है, लेकिन इवैक्यूएशन लोगों का नहीं हो रहा, दरअसल में इट इज़ द वैनिशिंग आउट ऑफ द नेम ऑफ हिंदुस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। पिछले 20 सालों में जितनी मेहनत और शिद्दत से वहाँ पे हमने काम किया, सलमा डैम बनाया, वहाँ पे हाईवे बनाया, स्कूल बनाए, करीब 500 प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाए गए हैं। दरअसल तालिबान कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित कबायली लड़ाकों का संगठन है और इसके अधिकांश लड़ाके और कमांडर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में स्थित कट्टर धार्मिक संगठनों में पढ़े लिखे लोग मौलवी और कबायली गुटों के चीफ हैं। घोषित रूप में इनका एक ही मकसद है कि पश्चिमी देशों का शासन से प्रभाव खत्म करना और देश में इस्लामी शरिया कानून की स्थापना करना। पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से मौलवी अंकजादा तालिबान का चीफ है और अब वो तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर भी है। ऐसे में हिब्तुल्ला अंकुजादा कंधार में अब मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाइयों के हक के में फतवे भी जारी किया करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वो अदालतों का प्रमुख भी रहा था और उसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहा से लेकर कई विदेशी लोकेशंस पर बातचीत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। सत्ता हस्तांतरण की बातचीत के लिए भी काबुल पहुंचा तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बारादर तालिबान में दूसरी रैंक पर है और इसी के अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा संभावना भी जताई जा रही है। ये तालिबान का राजनीतिक प्रमुख है और दोहा पे लगातार अफगानिस्तान को लेकर तालिबान की ओर से बातचीत में शामिल भी होता रहा है। ये साल 1994 में बने तालिबान के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक था और संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी रहा है। ये कई लड़ाइयों को कमान भी कर चुका है और ऐसे में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता का क्या कुछ इस पर कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, तालिबान और अमेरिका के सिलसिले में जो पिछले 20 सालों से जो मंजरनामा पूरी दुनिया ने देखा है वो इस बात की शहादत देता है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद शामिल थे और आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ पर किस तरीके की हुकूमत कायम हो रही है, किस तरीके की हुकूमत कायम नहीं हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदुस्तानी सहाफ़ी, जो हिंदुस्तानी सिविलियन वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर उनकी जान को ख़तरा है तो उनको निकालने की कोशिश की जाए और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान से पहाड़ी इलाकों तक ही धकेल दिया गया, लेकिन साल 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ और साल 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर और फिर से वापसी के संकेत दे दिए थे। ये ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता चला गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और ISI की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत करना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत साल 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई।
एक तरफ तालिबान ने सीधे बातचीत का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। फिर अप्रैल 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाइडन के ऐलान के बाद से ही तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90,000 लड़ाकों वाले तालिबान ने 3,00,000 से ज्यादा अफगान फौजों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रमुख सहयोगी को तालिबान से लड़ रहे प्रमुख विरोधी कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम और कई वॉरलॉर्ड्स को भी तजाकिस्तान और ईरान में शरण लेना पड़ा था। हालांकि तालिबान के काबुल को घेरने को लेकर दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। रूस के विदेश मंत्री जमीर काबुलोव ने कहा है कि रूस अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने को लेकर कई अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है और ऐसे में रूस ने कहा कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को मान्यता नहीं देगा। वहीं अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी है कि उसके सैनिकों और लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाले रखी है और साथ ही बता दें कि भारत की स्थिति भी काफी संवेदनशील है। भारत पिछले 20 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका था। स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने भी काफी खर्च किया, लेकिन अब तालिबान शासन आने से ये सब खत्म हो चुका है। एयर इंडिया के कई विमानों से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है और डिप्लोमेट्स की को सुरक्षित निकाला ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं तालिबान के पिछले शासन में कंधार विमान कांड की आज भारत भुगत चुका है और ऐसे में दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के 3,84,00,000 लोगों की आजादी, मानव अधिकार के मसले पर सब बर्बरतियत के आगे सरेंडर कर गए। अब लोग इस बात को देखने को उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान फिर 20 साल पुरानी बर्बरियत का शासन दिखाएगा या बदले हुए वक्त में उसके कामकाज के तरीकों में कोई बदलाव आएगा और क्या तालिबान शासन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई कदम उठाने की जहमत करेगा। इसी के साथ चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।